मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी। आज के भविष्य दर्पण के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज के विशेष एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे तीसरे विश्व युद्ध का आरंभ अप्रैल से मई माह तक हो सकता है। सोशल मीडिया पर उपलब्ध एक भविष्यवाणी के अनुसार वर्तमान समय में जो ग्रहों की दशा बनी हुई है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि विश्व युद्ध आरंभ होने में अब मात्र 15 से 30 दिन का ही समय शेष है। क्योंकि जिस प्रकार ग्रही स्थितियां वर्तमान समय में निर्मित हो रही हैं, ठीक वैसी स्थितियां दूसरे विश्व युद्ध के समय, भारत चीन युद्ध के समय और 1984 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उपजे भीषण दंगे के समय बनी थी। वर्तमान समय में 22 अप्रैल तक शनि के आगे गुरु और गुरु के आगे सूर्य, बुध, राहु और अरुण ग्रह एवं इसके आगे शुक्र एवं मंगल की स्थिति बनी हुई है। ग्रहों की ऐसी युति को बिल्कुल भी शुभ कहा नहीं जा रहा है। कहा जा रहा है कि जब जब ऐसी युति बनी है तब तब युद्ध या महामारी के द्वारा मानवीय जनसंख्या का संहार हुआ है। हम अपने चैनल पर आपको पहले से भी आगाह करते आ रहे हैं कि आने वाले समय में मानवीय अस्तित्व एवं पृथ्वी पर मानव सभ्यता के समाप्त होने का बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। शनि, राहु एवं केतु, इन सभी ग्रहों के साथ यदि कोई ग्रह बैठ जाए या इसके दृष्टि इस स्थान पर पड़ जाए तो ये स्थिति बहुत भयानक समय का संकेत करती है। पापी ग्रह कहीं अकेला बैठ जाए तो वह भी बहुत शक्तिशाली हो जाता है और भयानक फल प्रदान करता है। वर्तमान में कुंभ में शनि अपनी तीसरी दृष्टि से मेष राशि को देख रहे हैं एवं मेष शनि की अशुभ राशि है, जबकि केतु पंचम दृष्टि से शनि को देख रहे हैं जिसके कारण शनि का प्रभाव बढ़ रहा है। उधर 10 मई तक केतु अपनी नवी दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों में तीसरे विश्व युद्ध के भड़कने की आशंका है। क्योंकि जिस प्रकार अभी रूस एवं यूक्रेन का युद्ध का संकट मंडरा रहा है वह तीसरे विश्व युद्ध में परिवर्तित हो सकता है। कहा जा रहा है कि अभी जो देश जमीन के आधिपत्य को लेकर आपस में लड़ रहे हैं वही देश कल धर्म को लेकर महाभारत कर सकते हैं। यानी आने वाले समय में इस्लामिक देश, ईसाई देश और भारत जैसे राष्ट्र धर्म के आधार पर तीसरे विश्व युद्ध के अखाड़े में उतर सकते हैं। वैसे भी अरुण ग्रह को क्रांति और व्यवस्था का बदलाव का कारक माना जाता है और इस समय इसकी स्थितियां भी किसी बड़ी क्रांति का संकेत कर रही हैं। स्थितियां ऐसी भी बन रही हैं कि इस कालावधि में परमाणु बम का प्रयोग या फिर संसार के किसी बहुत शक्तिशाली नेता की हत्या भी की जा सकती है। जैसा कि ब्रिटेन के साइकिक एक्सपर्ट का दावा है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को जहर देकर मारा जा सकता है। क्रेग का यह भी कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को भी किसी गंभीर बीमारी के कारण सत्ता से बाहर भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त क्रेग का यह भी कहना है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भी धोखे से मारा जा सकता है। तो दर्शकों, आने वाले समय को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है। देखते रहें समय की ताजा जानकारी के लिए अखंड मंथन, क्योंकि यही वह मंच है जहां संसार भर में की जा रही भविष्यवाणी को एक साथ एक मंच पर देखा जा सकता है। तो कहीं मत जाएं, देखते रहें अखंड मंथन। समय की पल पल अपडेट के लिए देखते रहें अखंड मंथन। तो दर्शकों, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें जो प्रदान किया उसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। मिलते हैं एक नए अंक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।